हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट्स एंड एजुकेशन। पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। कैन हैव फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। हमें नीचे मैट्रिसेस दिए गए हैं, उनमें से हमने फाइंड करना है कि कौन सी यूनिट मैट्रिसेस है, कौन सी रो, कौन सी कॉलम और कौन सी नल मैट्रिक्स है। सबसे पहला हमारे पास मैट्रिक्स है ए इज़ इक्वल टू 0, 0, 0 और 0। इसकी सब वैल्यू 0 हैं, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सब वैल्यू 0 हो वो नल और 0 मैट्रिक्स कहलाता है। आपको मैं पहली वीडियो में इन तमाम मैट्रिसेस की पहचान और डेफिनेशन बता चुकी हूँ। अगर किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि पहले लेक्चर नंबर 1 को जाकर अच्छी तरह से सुने, ताकि इन तमाम मैट्रिसेस की पहचान अच्छे से हो सके। उसके बाद ही एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो हमारे पास बी मैट्रिक्स है, उसमें वैल्यू है 2, 3, 4, जिसकी रो सिर्फ 1 है और कॉलम 3 है। तो हमने पढ़ा है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाती है। तो ये एक रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स सी 4, 0, 6, जिसमें सिर्फ एक रो है, सॉरी जिसमें सिर्फ एक कॉलम है और 3 रोज हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो वो क्या कहलाता है? कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स डी, जिसमें हम इजीली देख सकते हैं कि डायगोनल प्रिंसिपल की वैल्यूज़ 1 है। डायगोनल प्रिंसिपल की वैल्यू 1 है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। ई इज़ इक्वल टू 0 मतलब मैट्रिक्स में सिर्फ 0 हो तो ये एक नल और 0 मैट्रिक्स है। अगली हमारे पास मैट्रिक्स एफ़ है, जिसमें 5, 6, 7 हम देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक कॉलम है और 3 रोज़ हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो वो कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 में है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स है -8, 2, 7, 12, 0, 4। अब हम देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका ऑर्डर है 2/3, मतलब कि इसकी नंबर ऑफ रोज इसके नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सेकेंड है हमारे पास 3, 0, 1, इसमें हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही कॉलम है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो वो है कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास 6, -4, 3 और -2, इसकी नंबर ऑफ रोज इसके नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। ये एक स्क्वेयर मैट्रिक्स है, क्योंकि ये स्क्वेयर के डाइमेंशंस हमेशा इक्वल आते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के इसके नंबर ऑफ रोज इसके नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास वही क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में देख चुके हैं कि डायगोनल प्रिंसिपल की वैल्यू 1 है, इसलिए ये एक आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं 3 और नंबर ऑफ कॉलम 1। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास 3, 10 और -1, इसमें हमारे पास एक नंबर ऑफ रो है और 3 कॉलम्स,
तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एक हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास 100, इसमें सिर्फ एक कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। सबसे पहले है हमारे पास 4 4 0 0, हम देख सकते हैं कि इसकी डायगोनल प्रिंसिपल की वैल्यूज सेम है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल प्रिंसिपल की वैल्यू सेम हो वो क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स। पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास 2 0 0 एंड -1। पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कि स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट ओनली वन ऑफ द एंट्री ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। मतलब इसकी डायगोनल की कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो हो और बाकी तमाम नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो हो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। इसकी नॉन डायगोनल, इसकी डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 2 एंड -1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो हैं तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। C=100। पिछले दो पार्ट में हम ये क्वेश्चन देख चुके हैं कि इसकी डायगोनल प्रिंसिपल की वैल्यू 1 है तो ये एक आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स डी, जिसकी हम देख सकते हैं कि डायगोनल एंट्रीज सेम है बिल्कुल फर्स्ट मैट्रिक्स की तरह, तो ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ई है हमारे पास 5 -3, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। 5 -3 = 2, 0 0, 1 + 1 = 2। बिल्कुल मैट्रिक्स डी की तरह के डायगोनल एंट्रीज सेम है तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें है फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन। हमें मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमने इनका नेगेटिव फाइंड करना। अब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं समझाया था, इसको अब ज़रा स्टार्टिंग से और बहुत डिटेल के साथ करेंगे। सब नेगेटिव का मतलब अभी तक आप सब जानते हैं कि नेगेटिव का मतलब होता है माइनस, यानी एक ऐसी वैल्यू जिसके साथ नेगेटिव मौजूद हो। अगर बोला जाए कि फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, तो हम देखेंगे कि ए इज़ इक्वल टू 1 0 एंड -1, तो ये ज़रूरी है कि अगर हमने ए के साथ नेगेटिव का साइन लगाया है तो इस वैल्यू के साथ भी हम नेगेटिव का साइन लगाएं। अब अगर हम नेगेटिव को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -(+1) = -1। नेगेटिव को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है नेगेटिव ऑफ बी, हम बी के साथ नेगेटिव का साइन लगाएंगे और यहाँ भी नेगेटिव का साइन आएगा, 3 2 -1 एंड 1। अब हम जब नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -(+3) = -3, -(-1) = +1। अब हम माइनस को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, माइनस को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। मुझे उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। बाकी जो क्वेश्चन मैंने नहीं किए वो आप खुद सॉल्व करके देखें। अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो उनको सॉल्व करने में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगी, आपकी हेल्प करूंगी। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।